और एक 54 है 25 पैसा जो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं चलती, और अब तो 1 रुपया भी। मैंने देखा एक बार रेलवे स्टेशन के ऊपर में कोई बूढ़ी माँ एकदम कमर झुकी हुई थी, भीख मांग रही थी, किसी बंदे ने 10-10 रुपए के 3-4 सिक्के दिए और बूढ़ी माँ ने उठाकर फेंक दिए, ले जाए इसे। अगर आपके तिजोरी में या आपकी अलमारी के अंदर में, सुनना ध्यान से, एक चांदी का सिक्का है और एक 54 है और कोई आपसे कुछ मांग ले या मुझे कुछ दे दे, 54 को अंदर कर देना, चांदी का सिक्का दे देना, 54 मत देना अपने माँ। सुन तो लो यार, ताली क्यों बजाया, सुन तो लो, चवन्नी करेगी क्या वो, तो सुन पहले। ये माताएं बहने बैठी है और राजस्थान में समझाने की दरकार नहीं है सवाया का क्या महत्व है। माता जी, सवाया का क्या महत्व मालूम है ना? 1 रुपया में 54 लगाकर अगर कोई भी तकलीफ हो, सूखे नारियल में लाल कपड़े के साथ बांधकर और आस्था से, विश्वास से उसको माथे से लगाकर अपनी अर्जी लगा दो कि प्रभु अगर ये मेरा कृपा कर दो, ये मेहर हो जाएगी, तो ये जो अर्जी वाला नारियल है ये आपके खाटू लाकर चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी और उसको अपने घर के मंदिर में रख देना, विश्वास करूंगा, विश्वास करोगे वो 54 काम कर जाएगी, आपका काम बना जाएगा। दिल्ली में एक कीर्तन में जोधपुर जो बैठे थे उनमें बाबा की मस्ती थी, वो लोगों को कुछ बता रहे थे। कोई श्याम प्रेमी था, तकलीफ में था, उन्होंने उसको आवाज लगाई, इधर आ। वो नाक रगड़ते हुए गया, बोला 1.25 रुपया निकाल। उसके पॉकेट में 1 रुपया था, 5 रुपया था, 10 था, 100 था, 500 था। उस समय 1000 का नोट चलता था, 1000 भी था, लेकिन 25 पैसा नहीं था। उसके एक मित्र था, उसके बगल में बैठा, उसके पॉकेट में 25 पैसा था, उसने 25 पैसा दिया, 1 रुपया उसका, 25 पैसा उसका, अर्जी लगाई उसने, रुपये वाले का काम नहीं हुआ, 25 पैसे वाले का काम हो गया।